हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। सो आज की रीडिंग जो होने वाली है ये है राशिफल आप लोगों के लिए जो मैं पोस्ट करने जा रही हूँ। इसमें हम देखेंगे 21 अक्टूबर से 3 नवंबर तक आप लोगों के लिए ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है। मोस्टली हम लोग जो है आप लोगों की ओवरऑल एनर्जीज के साथ आपकी लव लाइफ पे फोकस करते हैं, प्लस आपके लिए जो जो एनर्जीज कार्ड बताती है हम आपको डिस्क्राइब करते हैं। सॉरी फंबल कर गई, सो डिस्क्राइब करते हैं इस रीडिंग को। आप कैसे कंसिडर कर सकते हैं, देखो नाम के अनुसार देखो तो ज्यादा अच्छा, लेकिन ओवरऑल अगर आप चाहें सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, लग्न राशि, डेट ऑफ बर्थ, नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि टैरो में इस तरीके से कोई एनर्जी नहीं रहती कि भाई एस्ट्रोलॉजी ये जो है आपको नाम के अनुसार ही देखनी है, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार ही देखनी है, आप जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये रीडिंग जो है पिछले 2 हफ्तों के लिए रहेगी, आने वाले जो 2 हफ्ते हैं उसके लिए रहेगी। अपकमिंग संडे में लाइव होने वाला है, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको बेल आइकन दबाकर रखना है, सब्सक्राइब करके रखना है चैनल को, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं संडे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे अटेंड कर सके, क्योंकि लाइव Q&A बड़ा मजेदार होता है, उसे मिस ना करें। मेंबरशिप क्लब के लिए स्पेशल लाइव होते हैं, उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें, वो डेफिनेटली चार्जेबल होता है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसमें क्या बेनिफिट होता है, उसमें ऐसा होता है कि इतने लाइव में इतने सारे लोग होते हैं, सबके आंसर्स दे पाना मुश्किल हो जाता है, पर मेंबर्स के ऑप्शन में आपको लगभग आंसर मिल जाते हैं। मैं जब लाइव आती हूँ तो आप लोगों को आंसर मिल जाते हैं, क्योंकि कम लोग होते हैं, समझो उसमें जवाब देना आसान होता है, ठीक है, डिटेल रीडिंग भी हो जाती है, तो इसीलिए मेंबरशिप क्लब ज्यादा बेनिफिशियल है। बट आपकी अपनी चॉइस है, आप दोनों ही ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। लाइव Q&A फ्री भी रहता है और मेंबरशिप वाला ऑप्शन भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाती है, इसी चैनल पे लाइव होता है, ठीक है। सो ये नेक्स्ट 2 वीक्स की हम लोग जो है रीडिंग आप लोगों के लिए डाल रहे हैं। यदि आपको अपने पर्सनल रीडिंग रिलेटेड अप्रोच करना है तो व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप अप्रोच करें। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, किसी भी कारणवश फ्री नहीं की जा सकती, आपको उसके चार्जेस जानने हैं तो व्हाट्सएप के DP पे ही चार्जेस लिखे रहते हैं। अगर आपको अफोर्डेबल लगे तो आप उसे बुक करवाने के लिए पे करते हैं और स्क्रीनशॉट भेजते हैं मेरी टीम को, तभी वो आपकी बुकिंग लेते हैं। उसके अलावा आपको अगर वो लग रहा है कि बहुत ज्यादा महंगा है, एक्सपेंसिव है और हमारे लिए ये अफोर्डेबल नहीं है, तो दीदी कोई और ऑप्शन, तो आप लोगों के लिए वेबसाइट का भी ऑप्शन है www.thedivinetarotonline.com, आप वहां विजिट कर सकते हैं। वहां पे भी आप अपनी तरफ से खुद कार्ड अपना जो है पिक कर सकते हैं अपने टॉपिक के अनुसार और अपनी रीडिंग खुद चेकआउट कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप जैसे चाहे वैसे उस रीडिंग को देख सकते हैं। कुछ सिलेक्टेड ऑप्शंस जो है चार्जेबल हैं, जो 99 रुपीज में ही है, जो कि मंथली सब्सक्रिप्शन चार्जेस होंगे, ठीक है। उसके अलावा मेंबरशिप क्लब में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आया आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपको क्या लगता है कि राशिफल में और क्या क्या चीजें एड ऑन होनी चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप लोग किसी प्रकार के डोनेशन करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स का इस्तेमाल करके आप डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी रीडिंग शुरू करते हैं। अब बारी है कर्क राशि की, देखेंगे कर्क राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 21 अक्टूबर से 3 नवंबर। पहले ओवरऑल देखेंगे, फिर करियर फाइनेंस देखेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आप बहुत लॉजिकल माइंडसेट के साथ आने वाले हैं, बहुत प्रैक्टिकल हो जाएंगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल। आपका दिमाग ना ऐसा समझ लो कि घोड़े की तरह तेज दौड़ने वाला है, और बहुत सी चीजें आपके सामने एकदम बोलते ना क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, बहुत लॉजिकल हो जाएगी। आप इस टाइम फ्रेम में थॉट्स में भी बहुत घिरे हुए हो, ऐसा नहीं लग रहा है कि एकदम माइंडसेट फ्री है, नहीं, बहुत, जैसे कि मैंने कहा ना दिमाग घोड़े की तरह चलेगा, तो बहुत सी चीजें ना आप सडनली लॉजिकली सोचने लगोगे। बहुत से लोग जैसे कि आपका फायदा उठा देते हैं, आपसे कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं, आपको रियलाइजेशन आएगा कि यार मैं कितना ज्यादा अवेलेबल हूँ, मैं कितनी ज्यादा अवेलेबल हूँ लोगों के लिए। तो बहुत सी चीजों का रियलाइजेशन होने के चलते आप सिचुएशन को, अपनी लाइफ को बदलने का प्रयास करेंगे। ये वो टाइम फ्रेम है जहां पर आप अपनी लाइफ को बेहतर पोजिशन पे ले जाने का प्रयास करेंगे, लोगों की मैनिपुलेशन समझेंगे, लोगों का छल कपट समझेंगे, और अपने आप में बहुत ज्यादा आपका ऐसा लग रहा है दिमाग की बत्ती जल गई, ऐसा समझ लो कि दिमाग की बत्ती चल रही है, आप बहुत ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्गर एनर्जी में आ रहे हैं, प्लस आपका ग्लो, आपका अंदर का जो एक शाइन अट्रैक्शन वगैरह भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी है। और 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अब लोगों के लिए काम नहीं करेंगे बल्कि लोगों से काम करवाना सीखेंगे। इस टाइम फ्रेम में आप लोगों को कैसे भगाना है, कैसे उनको अपने लिए 10 काम कराने, ये सब चीजों का माइंडसेट, यानी कि मैनिपुलेशन टेक्निक सीखते हुए नजर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख लेते हैं आप लोगों के लिए करियर फाइनेंस और जॉब में क्या एक्सपेक्टेड है, जॉब बिजनेस में भी कर्क राशि वाले अक्टूबर 21 to 3 नवंबर। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के लिए मेन प्रॉब्लम क्या है, जो छल कपट या जिसकी आपको एक सच्चाई पता चल गई है, वो बेसिकली आप लोगों के रिलेशनशिप्स में, आपके रिश्तों में बहुत से लोग आपको हर्ट कर रहे हैं, बहुत से लोग आपको धोखा पहुंचा रहे हैं। शायद ये हो सकता है आपके परिवार का कोई सदस्य है,
या क्लियरली दिख रहा है कि आपका कोई स्पेशल फ्रेंड है या ये कोई एक्स हुक्स है, आपके कोई पार्टनर है, जिसकी वजह से आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं, जिसकी वजह से आप उनके बारे में देखकर मन आपका बहुत हताश हो रहा है, आपको उदासी कहीं ना कहीं फील हो रही है, आपको लग रहा है कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये व्यक्ति आपके साथ कुछ ऐसा करेंगे, आपके करियर और फाइनेंस में इस सोच विचारों के चलते ही आप कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर आप अपने करियर में इमोशनली सफर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिट्रेड फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है लाइक होता ना कि लाइफ में अगर कोई चीज़ ठीक ना हो, हमारे रिश्तों में कोई प्रॉब्लम हो, माता पिता से किसी तरीके की बहस हो, तो काम में मन लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, तो वो ऑब्स्टेकल दिख रही है कि आपका काम में मन नहीं लग रहा है। और बहुत से लोगों के लिए बिजनेस में मैं कहूंगी कि इन्वेस्टर वगैरह जो है उसको लेकर आप हर्ट होने वाले हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि जिस पे भरोसा किया, लाइक पार्टनर है, इन्वेस्टर है, जिस पे ट्रस्ट किया, उस इंसान ने ही मुझे आज धोखा पहुंचाया या दुख दिया, यानी कि चांसेस है कि उस व्यक्ति की तरफ से आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज पता चलेगी जिसमें आपको लगेगा कि यार इस इंसान पे तो पूरा ट्रस्ट किया था और ये व्यक्ति ने ही मुझे जो है तकलीफ पहुंचाई है, पार्टनर और इन्वेस्टर से भरोसा टूटने वाला है, ऐसे चांसेस दिख रहे हैं। हालांकि उस भरोसे के टूटने से आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली उल्टा आप ग्रो ही कर रहे हैं, किसी का सत्य देखकर आप अपने आप को चाणक्य बनाते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप स्ट्रॉन्गर पोजिशन पे आएंगे। ये टाइम फ्रेम सेलिब्रेशन का दिखाई दे रहा है, कोई गेट टुगेदर ऑफिस में होने वाली है, कोई आप जो है सेलिब्रेशन जो है फेस करेंगे, कोई कोई जो लोग अपनी जॉब ढूंढ रहे हैं उनको बहुत बेहतरीन जॉब मिलने वाली है, जिसके लिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट भी करेंगे उस चीज़ को। बिजनेस में भी आउटकम बहुत अच्छा होने वाला है। मैंने सिर्फ एक चीज़ आपको कही जो चीज़ मेरे सामने बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है, किसी का धोखा आपको इमोशनली हर्ट कर रहा है, हालांकि आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आपका इमोशनली होने के वजह से थोड़ा सा माइंडसेट वहां डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, फोकस कभी कभी डगमगा रहा है, इमोशनली होने के वजह से कई कई बार आपका माइंड कहीं और ही चला जाता है, लाइक भटक जाता है, लेकिन देखा जाए तो काम में स्थिति या फाइनेंसिस में स्थिति बेहतर है, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, किसी के दोस्त धोखे से इफेक्ट होने की जगह आप अपनी सिचुएशन को 10 ऑफ कप्स में कन्वर्ट करते नजर आ रहे हैं, जो कहता है अबंडेंस को आप अपनी लाइफ में ला रहे हैं। ठीक है, तो फाइनेंसेस आप लोगों के लिए अच्छे हैं। अब देख लेते हैं हेल्थ, स्टडीज, ट्रैवलिंग, लीगल मैटर। अच्छा, जो लोग नया काम शुरुआत कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, शुरुआत करो, बहुत अच्छी आपको न्यूज मिलेगी, इवन बिजनेस में, जॉब में, सब जगह ग्रोथ है आप लोगों के लिए। ठीक है, बस ऑब्स्टेकल ये है कि इमोशनल साइड ज्यादा मत सोचो, जिसने जो किया किया, अब आगे बढ़ने का समय है। ठीक है, हेल्थ, स्टडीज, ट्रैवलिंग और लीगल मैटर्स के लिए देख लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए। मैजिशियन, हैंगमैन, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ में काफी इम्प्रोवाइज करने वाले हैं, हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होगी, डाइजेशन रिलेटेड मेनली जो आप लोगों को प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होगी। आप लोगों का अगर हेयर लॉस हो रहा था, लाइक बाल बहुत झड़ रहे थे, तो वो प्रॉब्लम भी क्योर होने वाली है, ये टाइम पे आप अपनी हेल्थ को बेहतर करते नजर आएंगे। अगर मैं बात करूँ आप लोगों की स्टडीज की, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, ध्यान पढ़ाई वढ़ाई में बहुत अच्छा है और कहीं ना कहीं रिजल्ट भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं, तो यहाँ पर मुझे स्टूडेंट्स के लिए समय काफी अच्छा दिख रहा है। ट्रैवलिंग के हिसाब से कहा जाए तो ट्रैवलिंग फिलहाल आप मुझे करते हुए नजर नहीं आ रहे, फिलहाल कुछ ना कुछ काम में या किसी न किसी स्थिति में बिजी होने की वजह से ट्रैवल नहीं करेंगे, लेकिन हाँ छोटी मोटी स्मॉल गेट टुगेदर्स, पार्टी इवेंट जरूर आप लोग अटेंड करने वाले हैं, छोटे मोटे गेट टुगेदर्स फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ऑफिस में यहाँ वहाँ होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर अगर बात करूँ लीगल मैटर्स की, तो लीगल मैटर्स में आप लोगों के लिए समय अच्छा है, जो भी आप अगर किसी लीगल मैटर में फंसे हैं तो फैसला आपके फेवर में होने वाला है, चीजें आपके लिए अच्छी होंगी, लाइक आप खुश होने वाले हैं, ऐसा कुछ आपके लिए फैसला हो जाएगा। ठीक है, सो अपॉर्चुनिटीज भी आते हुए नजर आ रही हैं, जो लोगों को अपनी जॉब के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए तलाश थी, नया ऑफर चाहिए, नया जॉब चाहिए, उन लोगों के लिए अभी टाइम अच्छा है, आप प्रयास करें, आपको अच्छी ऑफर मिल सकती है। ठीक है, लेट्स सी आप लोगों की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, कर्क राशि वालों के लिए मुझे बताएं मैरिड लाइफ 21st अक्टूबर टू 3rd नवंबर कैसी रहेगी। सिक्स ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, एट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वंड्स। मैरिड लाइफ वालों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है चीजें तो अच्छी हैं, पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा, आप भी बहुत एक्सप्रेसिव हैं, बहुत लवेबल हैं, दोनों के बीच में बॉन्ड और कनेक्शन अच्छा है, चीजें अच्छी हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि चीजें तो अच्छी है, बट एक जो चीज मुझे डिफिकल्ट दिख रही है वो ये है कि थोड़ा सा आप दोनों के बीच में एक ऐसी स्थिति जरूर बन रही है जिसमें आप लोग पास से खुद को कंपेयर करेंगे, पास से यानी कि लगेगा इस कनेक्शन में पहले वाली बात नहीं रही, पहले जितना पार्टनर इनिशिएटिव लेता था इस कनेक्शन में, मियां बीवी यानी कि आपके हस्बैंड या वाइफ जितना इनिशिएटिव लेते थे, जितना रोमांटिक होते थे, जितना आपको पैम्पर करते थे, अब वो कुछ भी नहीं कर रहे, या जैसे उन्होंने बातें कही थी उस बातों के हिसाब से वो कुछ भी नहीं कर रहे। आपको फील हो सकता है कि वो अपनी मदर या अपने फादर पे ज्यादा फोकस्ड हैं, बट आपको लेकर इतने प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे, लाइक प्रायोरिटी में नहीं रख रहे। हालांकि इससे आपके कनेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ डेफिनेटली ऐसी स्थिति जरूर बन रही है जहां पर
पहले जैसा कुछ नहीं वाले थॉट जरूर आप लोगों के मन में आएंगे, ठीक है। चीजों को थोड़ा सा स्थिर करने की जरूरत है, थोड़ा एफर्ट डालने की जरूरत पड़ जाएगी। अगर हो सके तो एडवाइस है कि थोड़ा सा एफर्ट डालें ताकि सामने वाला जो एक कमी का एहसास प्यार में महसूस कर रहा है या जैसे आप कमी का एहसास महसूस कर रहे हैं, तो थोड़ा इनिशिएटिव लेने से ना दोनों तरफ प्यार बढ़ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इनिशिएटिव ले, ऐसा मत सोचे कि सामने वाला ही करे, थोड़ा आप करें, थोड़ा सामने वाला खुद करेगा, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं जो लोग सेपरेशन फेस कर रहे हैं मैरिड लाइफ में उन लोगों के लिए क्या स्थिति है। कर्क राशि वालों के लिए मुझे बताएं जो मैरिज में सेपरेशन फेस कर रहे हैं उनके लिए क्या स्थिति है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। मैरिड लाइफ जो सेपरेशन फेस कर रहे हैं, जो लोग सेपरेशन फेस कर रहे हैं लाइक मियां बीवी की बात कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं कहूंगी कि स्थिति थोड़ी सी डिफिकल्ट होने वाली है। आप लोगों के लिए स्थिति बेहतर होने की जगह बिगड़ रही है, ठीक है। सेपरेशन डेफिनेटली अगर आप लोगों की चल रही है तो इसमें डिस्टर्बिंग मोमेंट आ रहा है, एंजाइटी बढ़ सकती है, स्ट्रेस बढ़ सकता है, इमोशनल डिस्टर्बेंस है, चीजें बेहतर होने की जगह चीजें बिगड़ रही हैं। दोनों ही चाहते हो इस रिश्ते में रहना, दोनों को ही इस रिश्ते से बड़ा हमला एक अटैचमेंट है आपके पार्टनर को और आपको, लेकिन एक्शंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ऐसा होगा नहीं, कोई ना कोई ऐसी चीज हो जाएगी जिससे दोनों को स्पेशली आपको बहुत हर्ट होने वाला है। तो सेपरेशन वालों के लिए कोई गुड न्यूज नहीं है, ठीक है। लेट्स सी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। जो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है इन कॉन्टैक्ट है उनकी स्थिति देखेंगे। कर्क राशि वाले इन कॉन्टैक्ट 21st October to 3rd November, पेज ऑफ वॉन्स, हीरोपंथ, फूल, फाइव ऑफ वॉन्स। ओके, जो लोग इन कॉन्टैक्ट में है वो अपने पार्टनर की तरफ से ऐसा महसूस करेंगे कि वो बस आपसे बातें छुपा रहे हैं या आपको पॉलिटिकल बिहेवियर दे रहे हैं। आपको लग सकता है कि आपके पार्टनर बहुत चतुर चालाक है, बहुत ज्यादा। वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको जो बोल रहे हैं वो मीन नहीं करते, लाइक बोलते कुछ है करते कुछ है। आप हर्ट हो सकते हैं उनकी किसी बात से। आपको लग सकता है कि ये व्यक्ति आश्वासन दे रहे थे, कमिटमेंट दे रहे थे या कोई स्टेबिलिटी दे रहे थे पर कुछ कर नहीं रहे। और ऐसे भी कुछ लोगों के लिए स्थिति बन रही है जहां पर मैं कहूंगी कि आपके पार्टनर का कहीं और रिश्ता तय हो सकता है। स्पेशली अगर सिंगल है तो कहीं और बात पक्की हो सकती है जिससे आप बहुत ज्यादा अपसेट हो रहे हैं उनके बिहेवियर को देखकर। आप बहुत बिट्रेड या धोखा महसूस कर रहे हैं अपने कनेक्शन में। और बहुत लोगों के लिए स्थिति ऐसी है कि आपके पार्टनर शायद ऑलरेडी कहीं कमिटेड हैं जिसके वजह से आपको उनके लाइक एहसास हो रहा है कि वो व्यक्ति वहां ज्यादा ध्यान दे रहे हो, आपको कम दे रहे हैं जिससे आप हर्ट हो रहे हैं। बेसिकली आपके दोनों के बीच में कोई बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस है और आपको फीलिंग होगी। मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, फ्रेंकली स्पीकिंग तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देर सवेर आपको ये रियलाइजेशन होने ही वाली थी बट इस टाइम पे आपको हो रही है। यहाँ पर कहूंगी कि कुछ चीजों का समझ में आएगा आपको, लॉजिकल माइंडसेट आपके पार्टनर का समझ में आएगा, लगेगा कि थोड़े से सेल्फिश है, अपने बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, जिसके वजह से चीजें थोड़ी बिगड़ रही हैं इस टाइम फ्रेम में। आप लोगों के लिए रिश्ता बेहतर, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि बेहतर स्थिति में है, चीजें बहुत डिफिकल्ट हैं, ठीक है। तो जो इन कॉन्टैक्ट है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, उन लोगों के लिए स्थिति बेहतर नहीं है, सिचुएशन खराब हो रही है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए क्या स्थिति है, यूनिवर्स मुझे बताएं कर्क राशि वालों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 21st October to 3rd November क्या स्थिति बन रही है, क्या एक्सपेक्टेड है। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए जो एनर्जी बनी है, फोर ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्स एंड द वर्ल्ड का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर्थ कार्ड है डेविल कार्ड। ओके, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए कि आपके लिए स्थिति थोड़ी बिगड़ सकती है। यहाँ पर आप इस रिश्ते को पूरी तरह खत्म करेंगे, ऐसी एनर्जी बन रही है जहां पर आपको लग रहा है कि बस अब जितना इंतजार कर सकते थे वो किया। डिप्रेस है, लो फील कर रहे हैं बट आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि इस तरह एक व्यक्ति का इंतजार करना लॉजिकल नहीं है, इससे आप हर्ट हो जाएंगे और कहीं ना कहीं लंबा इंतजार चलता ही रहेगा। अब आप इस कनेक्शन को अपनी तरफ से खत्म करते नजर आएंगे और उसका कारण या ऑब्स्टेकल थर्ड पार्टी है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से या अपने पार्टनर की बुरी आदतों के वजह से, कोई गलतियों के चक्कर में आप जो है उनसे पीछा छुड़ाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना सही समझेंगे। प्लस आपकी एनर्जी में आप न्यू बिगनिंग की ओर, नए कनेक्शन की ओर जाते हुए, न्यू एक एनर्जी की ओर आप जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेट्स सी आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या रहेंगे। कर्क राशि वालों के लिए मुझे बताएं उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या हैं। पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस 21st October to 3rd November, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्स, नाइन ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्स। पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस में अगर देखा जाए, आपके पार्टनर के पास सिर्फ लाचारी, बेबसी और एक्सक्यूजेस देने के लिए है। सॉरी नहीं हो पाएगा, सॉरी मजबूर हूँ, नहीं हो सकता, नहीं आ सकता, ये हो गया, वो हो गया। ये अपनी जिंदगी में आगे भी बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ में कहीं रुके नहीं है। आपके पार्टनर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हुए, अपनी लाइफ पे लाइक खुद को पुश करते हुए, अपने काम वाम पे ध्यान देते हुए, कोई सेलिब्रेशन एक्टिविटी, ऐसा दिख रहा है कि कोई सेलिब्रेशन में
फोकस कर रहे हैं, कोई पार्टिसिपेशन है, कोई चीज सेलिब्रेट हो रही है, कोई पार्टी गेट टुगेदर हो रहा है जिसमें पार्टिसिपेटेड हैं आपके पार्टनर, ये अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हैं और आपके लिए एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, आपके लिए सिर्फ इनके पास एक्सक्यूजेस है, नहीं हो पाएगा वो हो पाएगा, आपको यही चीज महसूस हो रही है कि ये व्यक्ति तो अपनी जिंदगी में मस्त है, खुश है, और आप कहीं ना कहीं इसकी वजह से अकेले रह गए हैं। आपकी जिंदगी में ये व्यक्ति कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं ले रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं आपके लिए, खुद की जिंदगी में बेहतर है लेकिन आप कहीं ना कहीं इनकी वजह से स्टक हो गए हैं। तो इस समय आप नोटिस कर पा रहे हैं आपके पार्टनर की एक्टिविटी, हो सकता है कोई स्टेटस या कोई डीपी या कोई आपके सामने उनका लाइक फोटो आ जाए जिससे आप डिसाइड कर लेंगे कि नहीं बस इनफ इज इनफ, और ज्यादा अब नहीं वेट किया जा सकता। तो आप कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत करेंगे। नो कॉन्टैक्ट में आपके पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ एक्सक्यूजेज हैं कि सॉरी नहीं हो पाएगा, नहीं आ सकता, लाइक कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे, लेकिन मन ही मन सोच रहे हैं अरे मैं बेबस हूँ, मैं लाचार हूँ, मजबूरियां इतनी हैं कि ये व्यक्ति कोई एक्टिविटी ले ही नहीं रहे। मजबूर असल में है नहीं, ऐसा लग रहा है सिर्फ अंदर ही ये मन की मजबूरियां हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं सिंगल्स के लिए क्या एक्सपेक्टेड है, कर्क राशि में सिंगल्स के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 21 अक्टूबर to 3 नवंबर। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स। सिंगल्स के लिए सबसे पहले बताऊंगी जो कंप्लीटली सिंगल है, जिनका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई ऐसी स्थिति नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, उन लोगों के लिए कहूंगी पैसे पे ज्यादा फोकस है, पैसा कमाने पे, अपनी सेल्फ वर्थ पे, अपने घूमने फिरने पे ज्यादा ध्यान दोगे, ठीक है। जिन लोगों का क्रश है उन लोगों के लिए कहूंगी कि आप लोग दोनों के बीच में फ्लर्टिंग फ्लूटिंग होने वाली है, खूब बातें होंगी, खूब कम्युनिकेशन होगा, नया कहीं ना कहीं एक शुरुआत आप लोग दोनों के रिश्ते में हो सकती है। यानी कि क्रश अगर आपको कोई मन ही मन पसंद है तो उस व्यक्ति के साथ इनिशिएटिव लेंगे, एक्शन होगा, रोमांस होगा, लव होगा, मतलब बहुत अच्छा ट्यूनिंग और कनेक्शन देखने को मिल सकता है। जो लोग मैरिज वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं, मैरिज के लिए मुझे ऐसे दिख रहा है कि इस वक्त आप जेन्युइनली ट्राई नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो कोई व्यक्ति आपको पसंद आ सकता है, हालांकि वो व्यक्ति तुरंत से कोई इनिशिएटिव नहीं लेने वाला, ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे बातचीत करके डिसीजन आगे की मतलब लाइक आगे के लिए टाल दिया जाएगा कि आगे हम देखेंगे। हालांकि कनेक्शन आपके लिए अच्छा आ रहा है, जो भी नया कनेक्शन आपके लिए है या शादी के लिए बात भी हो रही है तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन आएगा जिसमें आपकी जिंदगी बहुत बेहतर पोजिशन पर जा सकती है, ठीक है। लेट्स सी आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है, यूनिवर्स कर्क राशि वालों के लिए एडवाइस क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स विद जजमेंट आपके लिए एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि पीछे देखना बंद करो, अपनी जिंदगी में सिर्फ आगे बढ़ना शुरू करो, क्योंकि आपकी जिंदगी में आप ऑलरेडी बहुत पीछे देख चुके, उससे कोई ना बस आपका कुछ नहीं, आपका टाइम वेस्ट हुआ है और कुछ नहीं, अब बात है, अब समय आ चुका है जब आपको आगे देखने की जरूरत है। एक नई शुरुआत अपनी जिंदगी की करें, जहां जो अपॉर्चुनिटी मिले उसे ग्रैब करें, ज्यादा सोच विचार ना करें, ज्यादा खुद को कंफ्यूज ना करें, ठीक है। यूनिवर्स आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज और अबंडेंस आपकी लाइफ में भेज रहे हैं, बस आपको उस अवसर को जल्दी ग्रैब करना है, ठीक है। लकी कलर कहूंगी ग्रीन, और आप लोगों के लिए येलो रहेगा, कुछ लोगों के लिए रेड भी, कुछ लोगों के लिए मतलब कर्क राशि वालों के लिए रेड है। और उसके अलावा आप लोगों के लिए लकी डेज रहेंगे ट्यूसडे, वेनेसडे और मंडे का दिन, ओके। उसके अलावा आप लोगों के लिए लकी नंबर्स अगर देखे जाए, नंबर्स होंगे 2, 3 और यहाँ पर 6 और उसके अलावा 8, ये नंबर्स आपके लिए लकी रहेंगे, ओके। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग कर्क राशि वालों। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। उसके अलावा हमें कोई जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन पे आपको दिख जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।